नमस्कार स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो था परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट्स ट्रांसमिशन लाइन। ओके, उसके रिगार्डिंग हमने उसका एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड की थी, साथ में उसका फिजिक डायग्राम भी ड्रॉ किया था। मैंने फिर से वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के। एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और दूसरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। नाउ एग्जांपल वन का हम डेफिनेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो इसमें दिया गया हुआ है कि अ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर्स 15,000 किलोवाट एट 33 केवी एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। द टोटल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन्स आर 10 ओम्स एंड 15 ओम्स रिस्पेक्टिवली, एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर सेंडिंग एंड वोल्टेज दैट इज Vs, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर दैट इज नथिंग बट योर इज योर Vs, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर इज 5S एंड ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी दैट इज N। ओके, ये तीन चीज़ को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले कौन सी चीज़ हमें दी गई हुई है, योर डिलीवर्स अ 15,000 किलोवाट, इट मींस हमें रिसीविंग एंड पावर दिया है दैट इज 15,000 किलोवाट एट 33 केवी। सो रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना दिया गया है 33 केवी, और पावर फैक्टर क्या है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर दिया है। टोटल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट मींस हमें आर की वैल्यू दी गई हुई है, कैपिटल आर दैट इज अगेन ये टोटल रेजिस्टेंस दिया गया हुआ है, इट मींस इट इज कैपिटल आर नॉट द स्मॉल आर, अदरवाइज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस आर विथ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, बट यहाँ पे सीधा हमें टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंडक्टेंस दिया है। ठीक है, सो योर कैपिटल आर इज 10 ohms and your inductive reactance is 15 ohm. Okay, and we have to determine the value of Vs, 5s and N. So let us start with the first, that is your sending and voltage. Okay, sending and voltage is Vs. अगर Vs को हमें find करना है तो यहाँ पे आप phasor diagram में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा Vs। ओके, ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, ये आप देख सकते हैं। योर वी आर इज लीडिंग करंट आई, एंड इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन दिस योर आई एस दैट इज सेंडिंग एंड करंट एंड रिसीविंग एंड करंट विल बी इक्वल। ओके, तो क्या होगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज दैट इज योर वी आर इज लीडिंग योर करंट बाय 5R डिग्री। ओके, दैट इज योर रिसीविंग एंड पावर फैक्टर 5R। यह रेजिस्टेंस के अक्रॉस ट्रांसमिशन लाइन के ड्रॉप होगा वो होगा आई आर, और इंडक्टिव रिएक्टेंस के अक्रॉस जो होगा वो होगा आई एक्सएल, वो हो गया हमारा टोटल सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस। ओके, सो वी एस को हमें ये फेजर डायग्राम आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं। तो वी एस को फाइंड करना होगा तो क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम देख सकते हैं कि वी एस स्क्वायर इज नथिंग बट लेट्स से दिस इज ओ ए एंड बी, so OA is nothing but your VS, so OA square is nothing but OB square plus AB square, so we can write that OSA square is equal to OB square plus AB square. Okay, now we are interested to find the value of VS, so take the square root, it will be OB square plus AB square. Now OB is nothing but VR cos phi R plus IR, so I am directly putting the value that is VR cos phi R plus this IR, because if this is IR, this will be IR, IR square plus AB square, AB is nothing but IXL plus VR sin phi R, so IXL plus VR sin phi r whole square. Okay,
So we have to find the value of VR cos phi R, IR, I, XL, VR sin phi R. And if you put these values in this, we can easily find your sending end voltage. Okay. So we have the value of PR. We also have the value of VR. Okay. We have the power factor. So we can easily find the value of I. Because in case of short transmission line, your receiving end current, your sending end current is equal to I. Okay, so let's say PR is equal to VR IR cos phi R. Okay, now we know this PR is 15,000 kilowatt, VR is 33 kV. We are interested to find IR, and cos phi R is 0.8. So in that way, your IR will be 15,000 divided by 33. This will be cancel out. So 15,000 divided by 33 divided by 0.8 is equal to 56.818 ampere. Okay, this will be your value of IR, or we can say I. Okay, so we have value of VR, that is 33 cos phi R. Now we also have to find sin phi R. So we know that cos phi R is equal to 0.8. So phi R is equal to cos inverse 5.8. So 5 R ki value kya milegi hame? Cos inverse 0.8. So it is 36.86 degree. Okay. So sin phi R kya milega? So the sin phi R is equal to 0.6. Okay. So ye cos phi R rahega, ye hamara sin phi R ki value rahegi. Theek hai. To ab hamare paas VR hai, cos phi R hai, I ki value mil gayi hai, R ki value humne calculate karke rakhi, matlab hame di gayi hui hai. I की वैल्यू मिल गई है, I x है, V R है, sin phi R है. तो इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू रखेंगे तो V S की वैल्यू हमें मिल जाएगी. ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. ठीक है, आप अपने आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू क्या मिल गई? 33.967 किलोवोल्ट. ओके, तो ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दूसरी क्या चीज फाइंड करनी है हमें? सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. ओके, सो लेट मी राइट योर सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. तो फिर से फेजर डायग्राम पे आ जाइए. फेजर डायग्राम पे देखेंगे सेंडिंग एंड पावर फैक्टर यानी क्या हो गया हमारा? कॉस फाइव एस. ओके, कॉस फाइव एस. एंड फाइव एस क्या है? द एंगल बिटवीन योर सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट. तो ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज अभी हमें मिला है. सेंडिंग एंड करंट क्या होगा? हमारा सेम ही होगा रिसीविंग एंड करंट की सेम. ठीक है, तो उसके बीच का एंगल होगा ये हमारा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल 5s मिलेगा. और उसका हम कोसाइन एंगल फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर. सो यहां फेजर डायग्राम पर से हम cos 5s निकालेंगे तो क्या मिलेगा? cos 5s इज इक्वल टू योर VR cos phi R, इट मींस OB डिवाइडेड बाय OA. इट इज नथिंग बट OB डिवाइडेड बाय OA एंड दैट इज VR cos phi R प्लस IR डिवाइडेड बाई योर वी एस. ओके, अब हमारे पास वी आर की भी वैल्यू है, कॉस फाइ आर की है, आई है, आर है, वी एस यहाँ पे मिल गया है. तो सारी वैल्यू पुट करो, आपको सेंडिंग एंड पावर फैक्टर की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी. ओके, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है अभी, यह आप कर सकते हैं इजिली 0.794. ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें जो फाइंड करनी है वो है एफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ओके, मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं क्या हो गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन.
सो ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी यानी कि हमारा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस. ओके, तो लॉसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर आई स्क्वायर इनटू आर. तो हमारे पास आई की वैल्यू है दैट इज योर 56.82 और आर की वैल्यू है 10 ओम. तो आर स्क्वायर आई ये क्या हो गया हमारा 56.82 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 56.82 ओके रेस्ट टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये मिला हमें 32285 वॉट. ओके, इन शॉर्ट 28 किलोवाट. ये हमारा लॉस हो गया. तो आउटपुट पावर हमें कितना मिल रहा है, ये 1500 डिवाइडेड बाय 1500 प्लस 32.28. ओके, तो इसको हम सॉल्व करो 1500 प्लस 3228, ये मिलेगा हमें 1532.28. ओके, सो हमें एफिशिएंसी मिल रही है 0.978 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बी 97.80% एफिशिएंसी, दैट इज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ योर पर्टिकुलर एग्जांपल. ओके, सो यहां पे एक बार हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, इट मींस हम सारी सेंडिंग एंड पावर फैक्टर है, एफिशिएंसी है. अगर आपको यहां वोल्टेज रेगुलेशन भी पूछा होगा तो वो क्या होगा, आपका VS माइनस VR डिवाइडेड बाय VR मल्टीप्लाई बाय 100. तो एक बार आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज को आपके पास होगा, तो आप इजीली वोल्टेज रेगुलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं जो आपको सॉल्व करना है. मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं. लेट्स से अ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर्स 5000 किलोवाट एट 22 केवी एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग. द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज गिवन एज 4 ओम एंड 60 ओम रेस्पेक्टिवली एंड वी हैव टू डिटरमाइन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, द परसेंटेज रेगुलेशन, लाइन लॉसेस एंड द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. ओके, सो हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज VS क्या मिल रहा है. ओके, कौन सी चीज हमें दी गई हुई है, PR दैट इज 5000, हमारा VR है 22 केवी, cos phi r है हमारा 0.5 पावर फैक्टर एंड दैट इज लैगिंग. ओके, यहां पे रिएक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम एंड रिएक्टेंस यानी कि XL की वैल्यू है 16 ओम. कहीं एग्जाम में आपको सिर्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी गई होगी तो आपको क्या करना है, 2πfL करके XL की वैल्यू फाइंड करनी पहले पड़ेगी. ठीक है, यहां पे फ्रीक्वेंसी आपको लेनी पड़ेगी 50 हर्ट्ज. इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन दिया गया हुआ है, तो आपका PR क्या होगा, 3 VR IR cos phi R. ठीक है, अगर सिंगल फेज एनालिसिस करेंगे तो हमें उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपका वोल्टेज है VR, दैट इज लाइन टू लाइन वोल्टेज. अगर आप पर फेज एनालिसिस करोगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज को लाइन टू न्यूट्रल पर फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये क्या होगा, वी योर वी आर दैट इज लाइन टू लाइन, सो वी आर लाइन टू लाइन डिवाइडेड बाय रूट 3 आई आर कॉस फाइ आर. सो ये रूट 3 और रूट 3 कैंसिल होगा तो आपका पी आर बनेगा वी आर, दैट इज नाउ इट इज लाइन टू न्यूट्रल आई आर कॉस फाइ आर. ठीक है, अब ये इजी है, ये पी आर की वैल्यू आपके पास है रूट 3 है, वी आर लाइन टू न्यूट्रल आप फाइंड कर सकते हैं इसको रूट 3 से डिवाइड करके. आपको आई आर की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस फाइ आर आपको दिया है, तो सबसे पहले प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही आप आई आर की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करेंगे. एक बार आई आर मिल जाएगा तो आप इजीली सेंडिंग एंड वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि बाकी की वैल्यू आपके पास है.
परसेंटेज रेगुलेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो कि वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाय वी आर इन टू 100, ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन। तो वी आर की वैल्यू आपके पास होगी, वी एस एक बार मिल जाएगा यहाँ से, तो आप दूसरा सॉल्व कर सकते हैं, रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपको लाइन लॉसेस फाइंड करना है, एंड दैट इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर। ओके, ये क्या मिलेगा आपको, तो आपके एक बार करंट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है, योर सेंडिंग एंड करंट, योर रिसीविंग एंड करंट एंड आई विल बी इक्वल इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो एक बार आपको आई आर यहाँ से मिल गया तो इज इक्वल टू आई एस होगा। ये आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको लाइन लॉस मिल जाएगा, ठीक है। अब आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या रहेगी, तो भाई आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, तो लॉस तो आपने पहले ही कैलकुलेट किए हुए है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट कर, आउटपुट पावर की वैल्यू है 5000 किलोवाट, आपको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला एग्जांपल है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आपको एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है, और इसके आंसर आपको कमेंट में डालने हैं। ओके, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेज लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे।